नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार महेंद्रगढ़ की खबरें हम आपको दिखाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बाहर निकले हैं, भिवानी की तरफ पहुंचे हैं। स्कूलों का क्या हाल है कोरोना के दौरान, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी बन चुकी है और बुरा हाल कर रखा है पूरे विश्व का। तो प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है वो जानने के लिए हम पहुँचे हैं भिवानी में, ढाणी माहू के पास जो स्कूल है यदुवंशी, वहाँ पे वहाँ के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ 2018 में बताया जा रहा है कि यदुवंशी स्टार्ट हुआ था, तो 18 से अब तक क्या कुछ रहा और 2 साल कोरोना ने खराब कर दिए, तो जो अचीवमेंट्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, वो सारी चीज़ें आज जानेंगे यहाँ के प्रिंसिपल साहब से। नमस्कार सर। सर नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया न्यूज़ 16 की टीम को मेरे विद्यालय और मेरी तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है। आपने यदुवंशी के पावन प्रांगण में आज जो है अपना महत्वपूर्ण समय, मैं कहूँ बहुमूल्य समय जो है सोसाइटी को आप लोग जागरूक करने में जो देते हैं, उसमें से आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया, अभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा प्रदीप जी, न्यूज़ 16 के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर करूँ, मैं ये चीज़ें बताऊँ कि 2018-19 के बैच में यदुवंशी शिक्षण संस्थान, यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स, यदुवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माननीय चेयरमैन साहब राव बहादुर सिंह जी, जो किसी, मैं कहूँ कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में यदुवंशी शिक्षण संस्थान को नंबर 1 की पोजीशन पे जो है आज भी वो काबिज है और वो इन फ्यूचर भी काबिज रहेगा अपने रिजल्ट्स, अपने मेहनत के बलबूते, माननीय चेयरमैन सर के और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन के बलबूते। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सबसे पहले स्कूल क्या होता है, बड़े बड़े एरिया में खोले जाते हैं, आपको भी पता है कि भाई शहर के बच्चे आए, फीस पूरी आए और हमारा काम अच्छे से चले जी। लेकिन ये स्कूल मैंने देखा है कि गांवों के बीच में, भिवानी शहर भी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और आसपास कोई शहर नहीं है, गांवों के लिए है, तो किस प्रकार से कितनी परेशानियाँ आपने झेली यहाँ पे आने के बाद, पहले वो बताएं थोड़ी सी। प्रदीप जी मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यहाँ बताऊँ कि सबसे पहले तो आपने जो शब्द कहे कि ये स्कूल जो है ग्रामीण अंचल में खोला गया बजाय के शहरी क्षेत्र के, जहाँ से एक अच्छी फ़ी कलेक्ट हो सकती थी, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग कहें कि हम स्टूडेंट्स को जो है अपने से जोड़ सकते थे। निश्चित रूप से हमारे साथ हमारी बिगनिंग से, मैं बात करूँ 2018 से, 2018-19 का जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ, फ्रॉम दैट टिल नाउ ईयर पर ईयर, चाहे वो कोविड का ही टाइम रहा हो, कोविड ड्यूरेशन में भी हम लोगों ने जो है एक अच्छी बढ़ोतरी के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, मैं कहूँ लगभग 1000+ में मेरे पास में जो है आज इस ब्रांच में जो है बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ग्रामीण अंचल में ये जो स्कूल खोला गया, हमारे माननीय चेयरमैन साहब राव बहादुर सिंह जी का जो है एक स्टार्टिंग से एक मोटो रहा है, जब 1995 में उन्होंने यदुवंशी नाम का ये पौधा हमारी महेंद्रगढ़ ब्रांच के रूप में लगाया। तो मैं आपको बताऊं कि महेंद्रगढ़ जो है हमारा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, मैं खुद महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर शिक्षा के नाम पर जो है किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। लेकिन 1995 में जब से यदुवंशी ने पदार्पण किया, यदुवंशी इस क्षेत्र में उतरा, तो मैं आज इस बात को कहते हुए मुझे गौरव महसूस होता है कि पूरे हरियाणा भर में जो है महेंद्रगढ़ अपने आप में शिक्षा के स्तर पर जो है अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम लोग अगर ये कहें कि एजुकेशन हब के रूप में महेंद्रगढ़ को जाना जाता है, तो वो माननीय चेयरमैन साहब, माननीय डायरेक्टर सर और हमारे यदुवंशी जो है शिक्षण संस्थान की वजह से जो हो पाया है। अब यहाँ इस क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में स्कूल को खोले जाने का जो मुख्य उद्देश्य था चेयरमैन साहब का, और जो है जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी का ये मानना था कि भिवानी क्षेत्र जो है वो आर्थिक स्थिति से और राजनीतिक स्थिति से बहुत पहले से ही मजबूत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में यहाँ थोड़ी लैकिंग रही है। और जहाँ मैं ये कहूँ कि आज का मॉडर्न इरा के अकॉर्डिंग, आधुनिक समय के अकॉर्डिंग जो है हमें ज़रूरत है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की,
तो शहर के बच्चे जो हैं ऑलरेडी वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो है सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहे हम लोग कहें अच्छे लाइब्रेरीज हो गई, उन्हें अच्छे ट्यूटर हो गए, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ढाणी माऊ में ये जो स्कूल हमारा यदुवंशी शिक्षा निकेतन की एक ब्रांच जो लगाई गई यदुवंशी शिक्षा निकेतन ढाणी माऊ, इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के इस क्षेत्र की पिछड़ी हुई शिक्षा को आगे लाना, यहाँ के बच्चों को एक प्रतियोगी जो है भावना देकर उन्हें जो है मैं कहूँ कि आप लोगों को चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों, डॉक्टर हों, टीचर्स हों, वैज्ञानिक हों, हर तरह की फील्ड में जो है उन्हें आगे पहुँचाना, तो ये हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है, हमारे माननीय चेयरमैन साहब का मुख्य उद्देश्य है। कुछ ही समय हुआ है संस्था को यहाँ खोले हुए, NTSC NDA बड़े बड़े पद पे आपने बच्चों को भेजा है और वो भी कोरोना के दौर, 2 साल से कोरोना चल रहा है, फिर भी अभी NTSC का रिजल्ट आया, उसमें अपने बच्चे हैं, NDA का आया तो अपने बच्चे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हो बच्चों पे कोरोना के दौरान? प्रदीप जी, जहाँ रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो यदुवंशी जो है अपने रिजल्ट्स अपने मेहनत के बलबूते जाना जाता है, और जहाँ हम लोग अभी बात करें रिसेंटली जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं, चाहे वो NDA का रहा हो, पीछे NTSC का, JEE का रिजल्ट रहा हो, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट्स रहे हों, मुझे बताते हुए ये अति हर्ष होता है कि एक इनिशियल स्टेज पे जो ब्रांच आपकी यदुवंशी ढाणी माऊ, बिल्कुल हमारी यदुवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की प्री पार्टी को हम लोगों ने फॉलो किया, माननीय चेयरमैन साहब ने, हमारे जितने भी सीनियर शिक्षाविद हैं उन सभी ने हमें समय समय पर मार्गदर्शन किया, बच्चे और बच्चों के अभिभावकों और हमारे जो है मैं कहूँ एक संघर्षशील टीम का ये जो है परिणाम है कि आपकी ये इनिशियल स्टेज की जो ब्रांच है ये लास्ट 2 ईयर्स से, मैं आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बताऊँ कि कुछ रिजल्ट्स हमने जो ऐसे दिए जो भिवानी और तोसाम इस पूरे क्षेत्र के विषय में मैं आपको बता दूँ, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र में जैसे रिजल्ट्स हम लोगों ने पिछले कुछ समय में दिए हैं, चाहे वो कोविड के ड्यूरेशन की ही बातें हों, वो रिजल्ट्स मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भिवानी के किसी और अन्य जो है विद्यालय से मुझे शायद से देखने को नहीं मिले, और हमारे पैरेंट्स हमें इसी चीज़ के लिए सराहते हैं, इसी के लिए जो है हम जाने जाते हैं। मैं आपको बताऊं सर, बिल्कुल खोल के बताएं ताकि समझ में आए जी, जो अचीवमेंट्स अपने को मिले हैं ताकि नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ पाए। जी मैं आपको बताऊं सर, 2018-19 में जो बोर्ड रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा स्टार्टिंग ईयर था, बोर्ड रिजल्ट्स हमारे 100% रहे, चाहे वो 10th या 12th की हम लोग बात करें। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे क्षेत्र में भिवानी और तोसाम क्षेत्र से हमने बोर्ड टॉपर दिया जो 98.4 के साथ में हमारा जो बच्चा रहा, मैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमने 98.4 के साथ हमने इस पूरे ब्लॉक इस क्षेत्र का हमने टॉपर दिया। 2019-20 के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने बोर्ड रिजल्ट्स में तो हमने टॉप किया ही, चाहे वो पूनम जांगड़ा रही हो बेटी, चाहे वो संध्या रही हो, प्रियांशु रही हो, ऐसी बहुत सारी बेटियां और हमारे बच्चे जो हैं, हम लोग कहें प्रांजल हुआ, नकुल हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे अच्छे स्कॉलर्स जिन्होंने बोर्ड रिजल्ट्स में अपने आप को टॉप किया, अपने क्षेत्र को, अपने माता पिता को और अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया। इसके साथ मैं अभी रिसेंटली रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, साथ में प्रीवियस रिजल्ट्स में मैं आपको बताऊँ, 2019-20 में आपके अपने विद्यालय यदुवंशी ढाणी माऊ ने फर्स्ट टाइम जो है NTSC में अपना भाग्य आजमाया, हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमने फर्स्ट सेशन में सिलेक्शंस निकाले। अभी 2020-21 में जो रिजल्ट्स अभी आए हैं, रिसेंटली जो रिजल्ट्स NTSC के आए हैं, आप देखेंगे पूरे हरियाणा भर में 200 सीटों पे 70 स्टूडेंट्स जो है हमारे जो है यदुवंशी और हमारे और अन्य शिक्षण संस्थान जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से हैं, वहाँ के रहे हैं। मैं अगर भिवानी क्षेत्र की बात करूँ तो मुझे कहते हुए हर्ष होता है, मात्र 2 बच्चे यहाँ से जो है NTSC स्कॉलर रहे, जिसमें टॉप हमारी बच्ची जो है स्वाति तेजवीर, ये बच्ची गांव ढाणी माऊ से हमारे पास जो है 10th की बच्ची है, NTSC में इसने जो है टॉप किया इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र में हमारा नाम किया और कंटिन्यू इस प्री पार्टी को जो है इस चैलेंज को अपने से आगे वाली जो जितनी जो हम लोग कहें जूनियर क्लासेज हैं उनके लिए एक चैलेंज के रूप में स्टार्टिंग में ही नाम रोशन कर दिया आज ही।
जी, जहाँ बात करें सर आईएसओ की, आपका आईएमओ की, पीआरएमओ की, हम लोग बात करें सीटीएससी की, जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है जो नेशनल लेवल पे होता है। आपके अपने इस विद्यालय के छात्र अखिल जी। अखिल पुत्र मनोज कुमार, ऑल इंडिया रैंक हमारे इस बच्चे की 51 रैंक रही है, और इसी प्रकार से मानसी, रीना, ये लोग भी जो है ऑल इंडिया रैंकिंग पे काफ़ी अच्छे जो है स्थान पर काबिज रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहूँगा प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी और अन्य उपलब्धियों के विषय में। तो मैं आपको बताऊँ कि ये क्षेत्र जो है मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स को हम लोग कहें तो हमारे इस क्षेत्र के लोग बड़ा तवज्जो देते हैं, और मुझे इस चीज़ को, इस बात को आपके सामने रखते हुए, दर्शकों को ये बताते हुए बड़ी हर्ष होता है कि हमारे विद्यालय के छात्रों ने, चाहे वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों भिवानी क्षेत्र के, चाहे वो हमारे अपने ग्रुप की 15 ब्रांचेज के जो है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे वो इंटर स्कूल कल्चरल कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे वो बाल भवन के द्वारा करवाए गए हों, हमारी अपनी अंतर स्कूल प्रतियोगिताएँ हों, या हमारे और अन्य विद्यालयों के साथ जो है टाइम टू टाइम हमारी जो है प्रतियोगिताएँ रही हैं, हमने हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है। मैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ऑफिस में जितने भी सील्स और जितने भी ट्रॉफीज जो हैं, चाहे इंडो नेपाल टूर्नामेंट की बात रही हो, चाहे इंटर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट की बात रही हो जो पीछे हलवासिया में हुई थी, तो मैं इस प्रकार की जिन इन सभी स्पोर्ट्स मीट्स की, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि हमने एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी अपना जो है हमने एक अच्छा फोकस यहाँ पर रखा है, और किसी विद्यालय से नेशनल लेवल पर बच्चों का जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, और बहुत कम समय में। बिल्कुल, ये एक जो है आपने बिल्कुल सही पॉइंट जो कहा कि बहुत कम समय में। मैं आपको बताऊं, आज दिन मेरे पास में, मैं आपको जो अगर किसी एक दो बच्चे की भी अचीवमेंट बताऊं, तो 12th आर्ट स्ट्रीम से मेरे पास में बच्चा रिदम सांगवान जी। फादर विकास सांगवान, ये बच्चा सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। बॉक्सिंग का ये बच्चा है। हमारे पास इसी प्रकार से अनु रानी बेटी जो है अभी 12th में हुई है, ये बेटी जो है हमारी स्टेट लेवल तक गई है बॉक्सिंग में, और वहाँ पे भी इसने जो है स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। इस प्रकार से हम लोग कहें कि प्रीवियस टाइम में हुई हुई आपकी CBSE स्कूल्स की जो हमारी स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, उनमें भी हम लोगों ने जो है, चाहे वो स्पैट रहा हो, चाहे आपका खेलों का महाकुंभ रहा हो, बेटा मानव यहाँ गाँव दिनौत से कबड्डी का जो है हम लोग कहें एक स्टेट लेवल का प्लेयर है हमारा, तो हम लोगों ने हर जगह स्पोर्ट्स, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कम समय में हर जगह नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल जी। तो अभी आप जिस प्रकार से बता रहे हैं अचीवमेंट्स के बारे में, जी, अगर हम बताने बैठेंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे मुझे लगता है, कम समय में इतने अचीवमेंट्स हमने ले लिए। प्रदीप जी, मैं यही कहूँगा कि ये इस क्षेत्र के लोगों का जो है जोश है, बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा जो है उनको मार्गदर्शन उनके अध्यापकों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा, संस्था को एक अच्छा सहयोग, माननीय चेयरमैन सर का आशीर्वाद जो है सदैव हम लोगों के साथ बना रहा है, और इस प्रकार के अचीवमेंट्स ये कोई नई बात नहीं है यदुवंशी के लिए। इन फ्यूचर भी जो है हम लोग इन चीज़ों के लिए तैयार हैं, और डेफिनेटली यदुवंशी अपने आप को हर मौके पर, हर जो है मैं कहूँ कि स्थान पर काबिज रखेगा, अपने आप को प्रूव करता रहेगा। जिस प्रकार से बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते जा रहे हैं, इनको आप डायरेक्शन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें, एक पौधा लगाया 95 में, डायरेक्शन मिली और शुरुआत की, उनके बारे में क्या कहेंगे आज के दिन जो इतना बड़ा मुकाम बच्चों को हासिल करवा रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, मैं बेसिकली महेंद्रगढ़ क्षेत्र से हूँ, माननीय चेयरमैन साहब जो है गांव सोली से बिलोंग करते हैं, और हमारे क्षेत्र में ऐसा मेरे ख्याल से कोई व्यक्तित्व नहीं है जो चेयरमैन साहब को नहीं जानता हो। चेयरमैन साहब के विषय में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जो है मैं कहूँ कि उनके अचीवमेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता हो। एक व्यक्ति जो बिल्कुल मैं कहूँ कि ग्राउंड लेवल से उठा, और उस व्यक्ति ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र को और जो है मैं कहूँ शिक्षा को उस लेवल पर पहुँचाया जहाँ आज महेंद्रगढ़ को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, शिक्षा को नए आयाम, नया इतिहास दिया। तो मेरे पास जो है एक अच्छे राजनीतिज्ञ वो हैं,
एक अच्छे सोशल वर्कर वो हैं, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट वो हैं, और एक अच्छे, मैं कहूँ कि मैं अगर एज ए एम्प्लॉई अपनी बात करूँ तो एक अच्छे चेयरमैन वो हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इन सभी अचीवमेंट्स को ईजिली जो है गेन कर पाते हैं। तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स जिनसे मैं उनका जो है उनकी व्यक्तित्व का बखान कर पाऊँ, मुझे मेरे पास इतने शब्द नहीं होंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ही इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी। वो एक सादगी के, सरलता के और सफल नेतृत्व के जो है एक प्रतिबिंब है, और हम सभी का उनको सल्यूट है। वास्तव में उन्होंने जो है बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष का जो है आज बेनिफिट पूरा हरियाणा, पूरा भारत उठा रहा है, अचीवमेंट्स के रूप में, अच्छे रिजल्ट्स के रूप में। डायरेक्टर साहब की कितनी बड़ी भूमिका है? डायरेक्टर सर के बारे में जहाँ जो हम लोग अगर बात करें, माननीय विजय सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, एक हम लोग कहें बहुत अच्छे सफल प्रशासक, सफल निदेशक जो हैं, और उनका सदैव हम लोगों के साथ एज ए फैमिली मेम्बर जो है मैं कहूँ उनका मार्गदर्शन बना रहता है। और इन अचीवमेंट्स में अगर मैं 100% अगर मैं योगदान देना चाहूँ, मैं क्रेडिट देना चाहूँ माननीय चेयरमैन साहब, माननीय निदेशक हमारे डायरेक्टर सर, और हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, तो ये गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से जो है 100% योगदान जो है हमारे माननीय चेयरमैन साहब का, डायरेक्टर सर का, और इन सभी लोगों का जो है इस कंट्रीब्यूशन जो रहा है इन अचीवमेंट्स के लिए। सर ये बातें थी स्कूल से रिलेटेड, अब कुछ बातें करते हैं सोशल, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया सभी का और फीस भरने में लोग असमर्थ हैं, तो क्या कुछ ऐसा किया है? आपका स्कूल ग्रामीणांचल में है और लोगों का यहाँ बेसिक काम भाई खेती बाड़ी का ही होगा मेरे हिसाब से, गांव में यही होता है, तो क्या कुछ ऐसा बेनिफिट लोगों को मिला है स्कूल की तरफ से, कुछ खास हो तो बताएं। प्रदीप जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी खास चीज़ें हैं इस विषय में, और मैं अगर आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बताऊँ तो आपको जानकर जो है हैरानी होगी कि यदुवंशी जो है, अगर हम लोग बात करें यदुवंशी, महेंद्रगढ़, नारनौल हमारी और अदर ब्रांचेज की, तो उनके कंपेरिजन में जो पहली चीज़ यहाँ पर की गई वो इस ग्रामीण अंचल को देखते हुए चेयरमैन सर ने हमारी अदर ब्रांचेज के कंपेरिजन में, सबसे पहले तो हमारी फ़ीस ऑलरेडी उन्होंने लेस रखी है, जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है 2018 टू टिल नाउ जो हमारी फ़ीस रही है वो हमारी अदर ब्रांचेज के कंपेरिजन में कम है, जबकि रिजल्ट्स यहाँ से जो है अच्छे हम लोग निकाल पा रहे हैं कम समय में बिल्कुल। और जहाँ हम लोग बात करें कि अभी के लिए इस कोविड के चलते हुए जो है हमारी मैनेजमेंट ने क्या कुछ ऐसा किया जो पेरेंट फ्रेंडली रहा है, जो पेरेंट्स के पक्ष में रहा है, तो मैं आपको बताऊं 2020 में जैसे ही जो है 2021 में जैसे कोरोना ने प्रवेश किया, कोरोना काल स्टार्ट हुआ, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा, उस टाइम से जब तक स्कूल्स ओपन नहीं हुए, हमारी मैं कहूँ कि काइंड मैनेजमेंट का ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फैसला था पेरेंट्स के पक्ष में, कि उन्होंने जितने दिन तक कोरोना काल में हमारे स्कूल्स ऑफ रहे हैं उतने दिन तक का ट्रांसपोर्ट चार्जेज और ट्यूशन फी में भी बहुत बड़े एग्जेम्पशन जो है पेरेंट्स को दिए, जिससे हमारा, मैं आपको बताऊं, लगभग 100% जो है, ऑलमोस्ट 100% हमारा जो पेरेंट है हमसे सेटिस्फाई है, कंटेंट फील कर रहा है, और सेम जो एग्जेम्पशंस जो हमने प्रीवियस ईयर में रखे थे इस बार भी उनमें कुछ ना कुछ जो है हमारे माननीय चेयरमैन सर के थ्रू जो है, मैं अदर चार्जेस की बात करूं तो किसी प्रकार के कोई अदर चार्जेस हमारे यहाँ से नहीं लिए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोबेट हैं, और माननीय चेयरमैन सर का भी एक जो है सभी ब्रांचेज के लिए, सभी प्रिंसिपल्स के लिए आदेश है कि जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर रहे, जो हमारा जो है फ़ी कलेक्शन का जो सिस्टम रहे वो पेरेंट फ्रेंडली रहे, किसी प्रकार का कोई जो है एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग पेरेंट्स पे ना डाल के उन्हें जितना हो सके अपनी तरफ से एग्जम्पशन के रूप में, जितना हो सके अपनी तरफ से छूट के रूप में जो है उन्हें सहयोग करें और उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो है हम लोग अश्योर करें। लोगों को सुविधाएं आप लोगों ने दी हैं, जिस प्रकार से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे बर्डन ना आए, उनकी फैमिली पे बर्डन ना आए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर बच्चों के ब्राइट फ्यूचर की हम लोग जहाँ बात करें प्रदीप जी, तो निश्चित रूप से हर संस्था, हर विद्यालय, हर ग्रुप जो है अपने आप में करबद्ध है उन बच्चों के, जो बच्चे हमारे पास में एनरोल हैं उन बच्चों के एक अच्छे भविष्य के लिए, उनके आने वाले समय में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो लोग फेस करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो फेस करने वाले हैं, उन सभी के लिए हम लोग करबद्ध हैं कि हम लोग उन्हें एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। मैं सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा
कि आपके पास जिस भी माध्यम से क्लासेस जो है आपके विद्यालय, मैं अकेला यदुवंशी हमारे शिक्षण संस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारतवर्ष के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो जिस प्रकार से आपके विद्यालय, आपकी जितनी जो आपकी एजुकेशन संस्थाएँ हैं आप तक क्लासेज प्रोवाइड कर पा रही हैं, आप लोग उन क्लासेज को कंटिन्यूली लें, आप पॉजिटिव माइंड रहें, आप नेगेटिवनेस को, आप अपने नकारात्मकता को किसी प्रकार से अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप कंटिन्यू अपने टीचर्स के कंटेक्ट में रहें, आप जो है एक सकारात्मक विचार से, आप सकारात्मक मैं कहूँ कि विचारधारा से ही आप इनसे बुरे समय में जो है कुछ अच्छी अचीवमेंट्स को आप गेन कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। लास्ट ईयर भी कोविड के चलते हुए हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो ये सब सकारात्मकता का जो है मैं कहूँ रिजल्ट है। और टीचर साथियों का, माननीय चेयरमैन सर का, हमारे पेरेंट्स का, सभी का सहयोग है। तो मेरा अंत में ये सभी से यही एक जो है अनुरोध है कि आप लोग सकारात्मक रहें, अपने बच्चों को कंटिन्यू क्लासेस दें और जो है उन्हें अपने स्कूल से कंटिन्यू जोड़े रखें। जिस प्रकार से बताया है, काफ़ी लंबी बातचीत रही, बहुत सी बातें निकल के आई हैं। ग्रामीण अंचल में स्कूल होते हुए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। साथियों, बहुत जल्द हम आपके स्कूल में भी पहुंचेंगे और जानेंगे कि आपने क्या कुछ अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को दिया है, अपने जो क्षेत्र है उसको, उसका नाम आपने रोशन किया है। तो लगातार आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।